नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है चंद्रमा का भाव फल। जन्म कुंडली के समस्त द्वादश भावों में चंद्रमा किस भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न करते हैं, यह आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चंद्रमा मनसो जाते हैं। चंद्रमा मन के प्रतिनिधि देवता माने जाते हैं। जीवन में चंद्रमा के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को भारी मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा माता के प्रतिनिधि होते हैं। चंद्रमा औषधियों के स्वामी हैं। चंद्रमा खूबसूरती जीवन में उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा प्रेम के भी प्रतिनिधि देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में बृहद चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। लग्न में चंद्रमा होने पर, जन्म कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा होने पर शास्त्र कहता है, सिते चंद्रे लग्ने दृढ़ तनुर देभ्रायुर भयो। अर्थात ऐसे व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है, मानसिक शक्तियों से युक्त होता है और किसी से ऐसा व्यक्ति डरने वाला नहीं होता, बिल्कुल निडर होता है और धनवान होता है। लेकिन यदि चंद्रमा लग्न में मजबूत स्थिति में है, ऐसा तब होता है। अगर चंद्रमा कमजोर है, अति बाल्य या अति वृद्धावस्था में है, या तो बहुत बूढ़ा है, अंश 25 से ज़्यादा हैं या 5 से नीचे की डिग्री हैं, या अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तो फिर शरीर भी कमजोर होगा, डरपोक भी होगा और मानसिक शक्तियाँ कमजोर होंगी, पैसे की कमी भी रहेगी। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या मजबूत है। दूसरे भाव में चंद्रमा होने पर, ये सेकंड हाउस यहां पर चंद्रमा होने पर व्यक्ति की वाणी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हकलाना, तुतलाना, लेकिन काफी धन संपन्न आदमी होता है और ऐसा व्यक्ति सुंदरता के प्रति आकर्षित बहुत ज्यादा होता है। बहुत जल्दी किसी का दीवाना हो जाता है, बहुत जल्दी किसी को चाहने लगता है। तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में, ये पराक्रम का भाव है। ये तीसरा भाव यहाँ पर जो है, ये कुंडली में 1, 2, 3 ये पराक्रम का स्थान है। तो जब पराक्रम से चंद्रमा का संपर्क होगा, पराक्रम भाव में जब चंद्रमा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बेहद कंजूस, मक्खी चूस होता है, खर्च नहीं करता और ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से प्रीति भी नहीं करता, लेकिन जिस काम को करता है पूरी मेहनत से करता है। चौथे भाव में चंद्रमा हो यहाँ पर, ये भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा, ये आठवा, ये नौवा, दसवा, ग्यारहवा और बारहवा, इनमें नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। मान लें यहाँ पर चौथा भाव है, तो हमेशा चौथा भाव यहीं पर रहेगा, ये पाँचवा, ये छठा, इस प्रकार। चौथे भाव में चंद्रमा व्यक्ति खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। ऐसे व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाए, कुछ अच्छे से खिला दो तो मान जाता है। आराम तलब होता है, मेहनती बिल्कुल नहीं होता, आराम करने के नए नए बहाने चौथे भाव में जिसका चंद्रमा है वह व्यक्ति ढूंढता रहता है। त्यागी होता है, बहुत ज़्यादा लोभ लालच नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा व्यक्ति वाहनों का शौकीन होता है, लेकिन वाहनों से चोट भी खाता है, एक्सीडेंट की संभावना ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनी रहती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, ये पांचवा घर है। यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति करता है, या तो राजनीति ज्वाइन नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति ज्वाइन करता है तो उसमें धीरे धीरे कछुए की चाल चल के एक न एक दिन ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चंचल बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जो कि पांचवा भाव मित्र का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, पुत्र का स्थान है, तपस्या साधना का स्थान है। तो यहाँ बुद्धि स्थान से चंद्रमा का संपर्क होने पर
ऐसा व्यक्ति का दिमाग थोड़ा टिकाऊ नहीं होता, चंचल बुद्धि का होता है। छठा भाव जो त्रिक स्थान है, ये त्रिक स्थान है, अशुभ स्थान होता है। तो यहाँ छठे भाव में चंद्रमा होने पर, यहाँ पर चंद्रमा होने पर व्यक्ति की आयु में थोड़ा सा दोष होता है। गंभीर बीमारी उसको आ जाए तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आकस्मिक दुर्घटना का योग बनता है। अगर चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो शत्रु ऐसे व्यक्ति को जहर खिला देते हैं। बहुत सारी समस्याएं, आयु में प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुद्धि अस्थिर रहती है। और यहाँ पर छठे भाव में जिसके चंद्रमा होगा ऐसा व्यक्ति पेट रोगी होता है, और बात बात में दूसरे लोग उसको दबा लेते हैं। मतलब यहाँ पर चंद्रमा का जो रिजल्ट है छठे भाव में बहुत बढ़िया नहीं है। अब सातवें घर में चंद्रमा, सप्तम भाव, ये पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो यहाँ पर चंद्रमा का रोमांटिक लाइफ की जगह होता है सातवां घर, गृहस्थ जीवन से संबंध होता है। सातवें घर में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर चंद्रमा बैठने से ऐसा व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला होता है, आमोद प्रमोद करने वाला होता है, मस्त मौला होता है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होती है। भाग्य ऐसे व्यक्तियों का व्यापार में जमकर के साथ देता है, ठीक है। तो सातवें भाव में चंद्रमा का फल बहुत बढ़िया है। अष्टम घर में चंद्रमा, ये आठवां घर है, यहाँ पर आठवां घर मृत्यु स्थान भी होता है, गुप्त धन का स्थान भी होता है। तो आठवें घर में चंद्रमा होने पर व्यक्ति लगातार बीमारियों से घिरा रहता है, ये प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ उसको आती रहती है। और ऐसे व्यक्ति को भी एक्सीडेंटल योग जीवन में एक दो बार ज़रूर बनता है। चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो मामला और ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। नवम स्थान में चंद्रमा अगर हो, यहाँ पर ये नौवां घर है, ये धर्म स्थान भी है और ये भाग्य स्थान भी है। तो धर्म स्थान और भाग्य स्थान से चंद्रमा का संपर्क होने पर, वहाँ पर चंद्रमा बैठने से ऐसा व्यक्ति धर्म कार्यों में लगा रहता है। पूजा पाठ, जप तप, कोई मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पर लगा रहे, मतलब ये न कहने प्रकार ने भागवत कथा में या किसी प्रकार की धार्मिक कथा होती है तो वहाँ पर अपना योगदान करेगा। धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है, धार्मिक नेता होते हैं ऐसे लोग। और यह भाव पंचम से पंचम, ये पांचवा भाव है, 1 2 3 4 5, ये भाव पंचम से पंचम होने पर ऐसा व्यक्ति सुंदर पुत्र वाला होता है, उसका पुत्र बहुत ज़्यादा योग्य होता है। नौवें घर में चंद्रमा बैठने पर सुंदर पुत्र का योग बनता है। दसवें घर में चंद्रमा, ये कर्म स्थान भी है, भाग्य स्थान भी है, पिता का स्थान भी है, तीनों चीजें यहाँ से। तो दसवें घर में चंद्रमा होने पर, दसम भाव में चंद्रमा होने पर मित्रों व्यक्ति के 98% कार्य सफल होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में दसवें घर में चंद्रमा है 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जिस काम को शुरू करता है उसको करके ही छोड़ता है, 98% कार्य सफल होते हैं। दूसरों का भाग्य उदय करने वाला होता है, यानी कि एक सफल आदमी होता है जो उसके साथ में लगेगा उसका भाग्य, और सज्जनों का, अच्छे लोगों का साथ देने वाला होता है। दसवें चंद्रमा बहुत बढ़िया होते हैं। ग्यारहवें स्थान इनकम का होता है, ये एकादश भाव जो है ये इनकम का स्थान होता है। और व्यक्ति को जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है वह ग्यारहवें स्थान से ही प्राप्त होता है। पैसा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, जो भी आदमी को मिलेगा ग्यारहवें स्थान का उसमें कहीं ना कहीं हाथ रहता है। तो ग्यारहवें स्थान में जिसके चंद्रमा होगा, अति स्वाभिमानी, दीर्घायु, धनवान, पुत्रवान और नौकरों से युक्त होता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी चंद्रमा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और बारहवें स्थान में ये व्यय स्थान है, द्वादश भाव, जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं होता ये। व्यय स्थान में चंद्रमा होने पर व्यक्ति चुगली करने वाला होता है। अब कितना भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन उसकी आदत जो है ना वो चुगलखोर होता है, चुगली करने की आदत होती है। अशांत मन, बेचैन आत्मा होता है, और बात बात में दूसरों से पराजित होता रहता है। लोग उसको धमकाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो दोस्तों यह था द्वादश भाव में चंद्रमा का फल। और दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए, सभी ग्रहों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है किस भाव में बैठकर क्या फल होता है किस ग्रह का,
आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के समस्त 9 के 9 ग्रहों की जानकारी ले सकते हैं। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।